दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इस चैनल में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन की छोटी बड़ी सभी फिल्मों के अपडेट्स, अपकमिंग अपडेट्स और आने वाली सभी फिल्मों के बारे में बताते रहते हैं और हाल ही में रिलीज हुई सभी फिल्मों को भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाकर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, आज हम जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हो, हाल ही में रिलीज़ हुई हिंदी में आई हॉलीवुड की मूवीज़ है। ये सभी कौन सी मूवी है और ये अच्छी है या फिर नहीं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव पर जो हम लोगों ने मूवी रखा है, उस मूवी का नाम है मॉन्स्टर हंटर। यह एक चाइनीज मूवी है, फैंटेसी एक्शन जॉनर की। इस मूवी को 1 घंटे 44 मिनट की रन टाइम में बनाया गया है। IMDb पर इस मूवी को 5.3 की रेटिंग हासिल है और 68% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। मूवी को 11 सितंबर 2020 में रिलीज़ किया गया था। तो और अगर बात करें मूवी की, तो मूवी की जो स्टोरी है वो है थोड़ी सी रूटीन है। आप लोगों ने अगर मॉन्स्टर हंटर देखा होगा तो सेम उसी टाइप की मूवी है, इसमें भी मॉन्स्टर को पकड़ते हैं कुछ लोग। तो मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर इस मूवी को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नंबर फोर पर जो मूवी है, उस मूवी का नाम है स्वीट गर्ल। यह मूवी एक फुल एक्शन मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम रखा गया है 1 घंटा और 50 मिनट का रखा गया है। मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग हासिल और 82% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। मूवी का जो हिंदी डब्ड वर्जन 20 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था ऑल ओवर द इंडिया में। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी एक बाप और बेटी की है, जिसमें उसका पिता अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है। कुछ गुंडे उन लोगों के पीछे पड़ जा रहते हैं, तो उनसे अपनी बेटी को वो बचाता है। मूवी अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। बात करें वहीं पर स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे इजाबेल मैर्च, जॉनसन मोमोआ, एड्रिया अर्जोना। अगर जॉनसन मोमोआ को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक्वामैन में तो आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा। बात करें थर्ड नंबर मूवी की, तो थर्ड नंबर पर जो मूवी आती है वो मूवी अपगैलिया। एक फैंटेसी एडवेंचर जॉनर की मूवी है। 1 घंटे 50 मिनट की रन टाइम वाली मूवी में आप लोगों को फुल मैजिक, फैंटेसी और एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। मूवी आप लोगों को बोर भी कर सकती है, उतनी अच्छी खासी इसकी स्टोरी लाइन नहीं है। बात करें IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी इसको अच्छी खासी रेटिंग नहीं मिली, 4.9 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने भी उससे उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो मूवी का जो रिलीज हुआ था वो 22 अगस्त 2019 में। तो आप लोग इस मूवी को देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जाकर सर्च कीजिए और आपको ये किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। नंबर टू पर जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी। यह एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। 2 घंटे की रन टाइम वाली इस मूवी में आपको 2 घंटे के रन टाइम वाली इस मूवी में आप लोगों को कॉमेडी और स्पॉट देखने को मिल जाएगा। बात करें मूवी का IMDb की, तो मूवी को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 71% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। मूवी की स्टोरी की बात करें, तो मूवी की स्टोरी आप लोगों ने बहुत सारी लेगेसी वाली फिल्में तो देखी होंगी, ये फिल्म उसी पर ही बेस्ड है। मूवी को 14 जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था। तो यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर इसे भी देख सकते हैं। नंबर वन पर जो मूवी रखा है वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है अब तक की। मैं इसे रेकमेंड करूंगा कि आप इस एक बार जरूर से ज़रूर देखिए। इस मूवी का नाम है द कंज्यूरिंग 3। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। 1 घंटे 52 मिनट रन टाइम में आपको पूरे हिला कर रख दी कि इसमें इतने भरपूर थ्रिल डाला गया है, ये इतना डरावना है कि आप अकेले में तो बिल्कुल नहीं देखिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को अकेले में बैठकर मत देखना, वरना भाई हालत पतली हो सकती है आप लोगों की। IMDb पर इस मूवी को 6.3 की रेटिंग हासिल है। 91% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया था। मूवी को 13 अगस्त 2021 में ऑल ओवर द इंडिया में रिलीज़ किया गया था। कंज्यूरिंग के अभी तक बहुत सारे पार्ट निकल चुके हैं, कंज्यूरिंग 1, कंज्यूरिंग 2, एनाबेल, ये सब इसी के पार्ट है। कहते हैं यहाँ एड लॉरेन और वॉरेन लॉरेन का इतना पेचीदा केस था कि ये उसी पर ही हावी हो गया था। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी में एक डायन जो होती है टोटके शैतान को खुश करने के लिए दूसरों के घर में टोटके कर रही होती है। तो ये जो डायन है इनके घर में भी टोटके कर देते हैं, क्या इस टोटके से वो लोग बच पाएंगे या फिर नहीं, आप लोगों को मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही अच्छी है, आप इसको एक बार जरूर से जरूर चेक कीजिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, अगर आप लोगों को इस मूवी पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। आज का वीडियो यही तक था, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।